अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ISI लर्निंग। आज हम इंग्लिश 201 का ग्रैंड क्विज सॉल्व करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं अभी क्विज। तो काइंडली आपने वीडियो को पूरा देखने, लाइव सॉल्व होगा। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, डैश कम्स होम बैक फर्स्ट, शुड कुक डिनर। ऑप्शन जो हमारे पास है, हु एवर है। अभी सर्च करते हैं नेट से, इसका जो आई थिंक आंसर वो हु दैट होगा। अभी देख लेते हैं, हु दैट इसका राइट आंसर है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो काइंडली, या कोई मिस्टेक हो गई हो तो करेक्ट कर दीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास, डोंट लॉस योर टेम्पर इज अ गाइडलाइन टू अचीव क्लैरिटी, कॉन्साइजनेस, करेक्टनेस या कंसिडरेशन। इसका जो आंसर है, आई थिंक करेक्टनेस है राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, अलॉटिंग टाइम प्रॉपरली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एस्पेशली व्हेन टाइम इज शॉर्ट, यू नीड टू शेड्यूल योरसेल्फ केयरफुली एंड स्टिक टू इट इज़ कॉल्ड। ऑप्शन हमारे पास, कोलेबोरेशन, टेक्नोलॉजी ऑल अबव या स्केजलिंग। अभी नेट से सर्च करते हैं इसका आंसर, एक्यूरेट आंसर क्या है। एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं सबसे पहले, इसमें वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को एक हेल्प हो जाए, आप लोगों की जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो बाद में आएंगे उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी, उन्हें एक आइडिया हो जाएगा कि MCQs इस टाइप के आ रहे हैं। ऑल अबव है इसका राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, हिज ईयर्स ऑफ स्मोकिंग हैव नेगेटिवली डैश हिज हेल्थ अफेक्टेड या इफेक्टेड। आई थिंक इसका फर्स्ट ऑप्शन है अफेक्टेड।
अफेक्टिव हिज ईयर्स ऑफ स्मोकिंग हैज नेगेटिव अफेक्टिव हिज हेल्थ। फर्स्ट वेबसाइट पे जो नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन के साथ ही आंसर भी है उसका, फिर भी हम नीचे चेक करते हैं ताकि क्लैरिटी हो जाए, श्योर हो जाए कि वाकई यही आंसर है इसका। ये हाईलाइट कर दिए मैंने ताकि क्लियर हो जाए आप लोगों को। उसके बाद हमारे पास है इन डैश फॉर्मेट द एड्रेस डेट सेलिब्रेशन पैराग्राफ एंड क्लोजिंग और लाइंड अप एट द लेफ्ट मार्जिन। देखते हैं इसका आंसर क्या है। लेफ्ट मार्जिन इज़ द राइट आंसर। फिर भी हम मज़ीद इसे सर्च करेंगे। तकरीबन हर जगह लेफ़्ट मार्जिन ही इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन राइटिंग टू पैट एंडरसन अ पर्सन यू डोंट नो यू शुड यूज़ विद अ सैल्यूशन, डियर पैट, डियर मिस्टर एंडरसन, डियर एंडरसन, डियर पैट एंडरसन। आई थिंक सेकेंड ऑप्शन होगा डियर मिस्टर, फिर भी हम नेट से सर्च करते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दी पर्सुएसिव मैसेज गिव्स डैश टू द ऑडियंस, नो चॉइस, डिफिकल्ट ऑप्शन, अ फ्री चॉइस, इजी एक्सेस। ये ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए हम चेक करते हैं। इसका जो राइट आंसर है जो क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेंगे तो वो काइंडली आप लोगों ने खुद ट्राई कर लेने, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत कम होता है कि एट अ टाइम। इंशाल्लाह दो क्विज़ रात को भी नेक्स्ट डे अपलोड होंगे उनकी वीडियोस, उनको भी काइंडली आपने वॉच करना है। इसका जो मैंने लगाया फर्स्ट ऑप्शन लगाई है, आप लोगों ने कंफर्म कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द डैश ऑफ अ बिजनेस प्रपोजल इज़ टू एस्टैब्लिश अ वर्किंग रिलेशनशिप टू मेक इट हैपन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो एम है। फिर भी हम नेट से सर्च करेंगे, किसी भी बिज़नेस को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या ज़रूरी है एम। फर्स्ट ये देखिए, फर्स्ट वेबसाइट के नीचे लिखा हुआ है, द एम ऑफ अ बिज़नेस प्रपोज़ इज़ टू एस्टैब्लिश अ वर्किंग रिलेशनशिप टू मेक इट हैपन। ये देखिए नीचे द एम ऑफ अ बिज़नेस हाईलाइट कर दिया मैंने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एडजस्टमेंट लेटर इज़ अ लेटर इन आंसर टू अ डैश लेटर, कंप्लेन लेटर हो सकता है, इंक्वायरी या रिफ्यूज़ल या ऑर्डर। अभी चेक करते हैं, आई थिंक कंप्लेन लेटर हो सकता है, फिर भी मज़ीद सर्च करते हैं हम। अभी हम सर्च करते हैं, यहाँ से कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे और साथ में मेन वर्ड लिखे तो वो आ जाएगा, ये है। एडजस्टमेंट लेटर, क्लेम लेटर इज आल्सो कॉल्ड द एडजस्टमेंट लेटर, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन बैड न्यूज़ मैसेज यू एज अ बिजनेस पर्सन नीड टू हेल्प योर ऑडियंस अंडरस्टैंड व्हाट द सर्कमस्टांस। नेक्स्ट विंडो पे अपलोड कर दो, करते हैं प्ले कर देते हैं, ओपन करते हैं नए इस विंडो को भी, वीडियो स्टूडेंट्स। फेयर, इसका आंसर मिल गया हमें नेट से, कंफर्म है फेयर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज, सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज, इनकोरेक्ट वर्ड, फॉल्टी प्रोनाउंसिएशन है, इनकोरेक्ट ग्रामर, ऑल ऑफ द, आई थिंक ऑल ऑफ दीज होगा इसका, फिर भी हम चेक करते हैं अभी। सब स्टैंडर्ड, ऑल ऑफ दीज, ये जो सर्च का ऑप्शन है ये कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड लिखा जाएगा, मेन वर्ड लिखना आपने, उसका जवाब आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल राइटिंग अ बिजनेस मैसेज, इसका जो आंसर है वो होगा, देखते हैं अभी, इंशाल्लाह टुमारो दो वीडियोस अपलोड होंगी एक साथ ही, उनको भी आपने काइंडली वॉच करना है। और इसी तरह से मेरे पास जो भी वीडियोस आएंगे या जो भी क्विज़ करूँगा सॉल्व, उनकी मैं वीडियो बना के अपने चैनल पे भी अपलोड करता रहूँगा, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। और बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह MGT 101 के लेक्चर भी अपलोड करूँगा, अभी असाइनमेंट भी आ चुकी है, वो भी मैं इंशाल्लाह एक दो दिन तक अपलोड कर दूँगा। वीडियो लेंथी ज़रूर है पर इंशाल्लाह मैंने आपको एक बेहतर तरीके से साथ साथ आपको सॉल्व करने का तरीका भी बता रहा हूँ। PDF मैंने मोबाइल पे ओपन किया हुआ है ताकि उससे भी ज़्यादा मज़ीद हेल्प हो सके, बाकी आपके सामने एक्सटेंशन के ज़रिए एंड ड्रैगन ड्रॉप के ज़रिए, ये तीन मेथड आपने लाजमी यूज़ करने हैं क्योंकि ये इनके ज़रिए हम आंसर तक पहुँच सकते हैं।
ऑल ऑफ दी लगाया है आपने, कंफर्म कर लेना फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑर्डर्स आर कंसीडर्ड वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डैश, डायरेक्ट रिक्वेस्ट है, इनडायरेक्ट या कंट्रोवर्शियल रिक्वेस्ट, फेम रिक्वेस्ट। आई थिंक डायरेक्ट होगा, चेक करते हैं। इसका मुझे शॉर्ट ही नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर भी मैं मज़ीद सर्च करता हूँ, मिल जाएगा ठीक है, वरना आप लोगों ने खुद ट्राई कर लेना है, बुक से कंसल्ट कर लीजिएगा साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द आर्ट ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट अवेलेबल मीन्स ऑफ मूविंग अ स्पेसिफिक ऑडियंस इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन टू अ स्पेसिफिक डिसीजन इज कॉल्ड, एफिलिएशन होगा शायद, करते हैं सर्च अभी, साथ में पीडीएफ से भी देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है देखते हैं अभी मज़ीद, इस वेबसाइट पे बहुत मुश्किल होगा जो मिले। करते हैं ट्राई मज़ीद। एफिलिएशन लगा दिया मैंने, फिर भी आपने कंफर्म कर लेना है क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है, 18 सेकंड्स ओनली लेफ्ट। चलिए क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास है एन ऑर्डर लेटर इज़ आल्सो नोन एज पीओ और परचेज लेटर, कंफर्म है इसका, मुझे अभी आपको नेट से भी सर्च करके बता देता हूँ। ये देखिए सबसे ऊपर है, एन ऑर्डर लेटर आल्सो नोन एज परचेज लेटर और पी ओ बिगन्स द पेपर ट्रेल ऑफ अ स्पेसिफिक, ठीक होगा, कन्फर्म पी ओ। मज़ीद अगर आपको इसकी शॉर्टी चाहिए वो मैं आपको नीचे मज़ीद दिखा देता हूँ। ये देखें थर्ड वेबसाइट पे के नीचे भी है, पी ओ क्रिएट्स आउटलाइन द क्वान्टिटी, और आप सर्च के ज़रिए भी चेक करते हैं, पी ओ ही आ रहा है, एग्जैक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन डैश ऑर्गेनाइजेशन सेंड आउट इनवाइटेड मैसेज टू सेल अ प्रोडक्ट, इसका जो है अनसोलिसिटेड लेटर एग्जैक्ट है, राइट आंसर है, अभी आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखें थोड़ा सा नीचे आएंगे तो मिल जाएगा, ये देखें अनसोलिसिटेड लेटर एग्जैक्ट आंसर है इसका। मज़ीद इस वेबसाइट पे भी चेक करते हैं, अभी सेकंड्स हमारे पास बाकी हैं 45। ये देखिए
सेकंड सोलिसिटेशन लेटर वो होते हैं जिसमें हम इनवाइट करते हैं टू रेस्पॉन्ड सेल, और जो अनसोलिसिटेड हैं वो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है इसकी, जिसमें हम सेंड एंड और सेंड आउट अन इन्वाइटेड मैसेज टू सेल, अन इन्वाइटेड मैसेज टू सेल कन्फर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स फिगुरेटिव एक्सप्रेशन? ऑप्शन हमारे पास, शी वॉज अ गुड टीम प्लेयर, शी प्रेजेंटेड अ गुड लीडिंग स्किल, हार्डवर्क, या शी कुड नॉट कॉल द, देखते हैं इसका क्या होगा। फॉरगेट इट्स एन, आई थिंक फर्स्ट होगा, फिर भी चेक करते हैं, अगर इसका नहीं मिलेगा तो आप लोगों ने कंफर्म कर लेना है। इसका एक्यूरेट आंसर मिला तो नहीं, खैर आप लोगों ने कंफर्म कर लेना है, मैंने इसका फर्स्ट ऑप्शन लगाई है। उसके बाद हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन, मेमो या कंप्लेन लेटर होगा, आई थिंक मेमो होगा। PDF से भी मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा वेट, मेमो ही होगा इसका एग्जैक्ट आंसर। इस वेबसाइट से तो मुश्किल है। उसके बाद हमारे पास यहाँ चेक करते हैं, अभी कंट्रोल एफ प्रेस किया, उसके बाद एक्सटर्नल लिखा और ये मेमो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज इन एक्सटर्नल, वो आता है हमारे पास मेमो, कन्फर्म इट। ये देखें, हाईलाइट भी कर दिया मैंने मेमो। डैश आर ऑफन यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी, इसका जो एग्जैक्ट है वो रिपोर्ट्स है, अभी देख लेते हैं, क्योंकि ईमेल नहीं हो सकती हमारे पास ना ही एप्लीकेशन, गलती से लग गया ऑल पे क्लिक। रिपोर्ट्स कंफर्म है, पीडीएफ से खैर मुझे मिल गया है, यहाँ पे तो नहीं शो कर रहा, ये देखिए यहाँ पे भी शो कर दिया, रिपोर्ट्स आर ऑफन यूज्ड, ये देखिए मैंने हाईलाइट कर दिए, थैंक्स गॉड। उसके बाद हमारे पास ब्रेकिंग द लॉन्गर सेंटेंस इनटू शॉर्टर वंस इंप्रूव डैश टोन, रीडेबिलिटी, स्ट्रेस या कॉम्प्लेक्सिटी, आई थिंक टोन होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं, अगर इसमें कोई मिस्टेक हुआ है तो काइंडली आप लोगों ने करेक्ट कर लेनी है। ये वेबसाइट ही ब्लॉक है पहले से, पीडीएफ चेक करें यार, पीडीएफ आई थिंक इसका
लॉन्गर टू शॉर्टर, लॉन्गर एंड लॉन्जी। इसका मुझे कंफर्म नहीं है, तो आप लोगों ने प्लीज़ इसका कंफर्म कर लेना है, क्योंकि मुझे नेट से नहीं मिला, ना ही पीडीएफ से मिल रहा अभी तक। ट्राई कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलियर एक्सप्रेशन इन करेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ पैटर्न। इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट है, रेलिवेंट। देखते हैं इसका क्या आंसर मिलता है। रेलिवेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक हो गया। नीचे मज़ीद करते हैं, इसे चेक करते हैं। रेलिवेंट है इसका आंसर, सेव कर लेते हैं आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डैश विद कस्टमर इज गेन्ड बाय बीइंग एंथुसियास्टिक सिंसियर एंड ट्रस्टवर्थी। क्लैरिटी है, आई थिंक क्लैरिटी इसका राइट आंसर होगा, या क्रेडिबिलिटी है, करेक्टनेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर आर रिकमेंडर डैश इन अ रिकमेंडेशन इज अ मस्ट। ऑनेस्टी है, क्विकनेस है, डिलेइंग टैटिक्स, नन ऑफ द अबव। या सॉरी, गलती से हिंदी क्लिक हो गया है, उर्दू में टाइप करना था। इसका मीनिंग चेक कर लें ज़रा, क्या है तजवीज़ कनंदा। नन ऑफ दिस आई थिंक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ बिजनेस मैसेज द वर्ड फ्रीडम प्रेस्टीज कंपैशन फ्री एंड कंफर्ट इवोक फीलिंग, इसका जो पॉजिटिव होगा शायद, चेक करते हैं अभी इसका। फ्रीडम है, कंपैशन है, फ्री है, पॉजिटिव इसका राइट आंसर है। फिर भी चेक करते हैं इसका आंसर। तो यह आंसर ही नहीं दिया हुआ। पॉजिटिव इसका राइट आंसर है आई थिंक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन डैश सेक्शन ऑफ एप्लीकेशन लेटर स्टेट दैट आर that you are applying for a specific job title or field, check करते हैं इसका आंसर। I think end matter हो सकता है, फिर भी हम confirm कर लेते हैं। एंड मैटर इस क्वेश्चन, डिड द डॉक्टर लुक डैश योर लेग ऑन द लेग ऑन योर लेग, प्रेपोजिशन लगाना है, एट द लेग एट योर लेग, नो थ्रू भी नहीं हो सकता, ओवर या ओन। डिड द डॉक्टर लुक ऑन योर लेग, ओवर योर लेग या ओन, फिर भी सर्च करते हैं इसे। ऑन लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही स्टडीड हार्ड बिकॉज ही वांटेड टू गो टू द मेडिकल स्कूल एज ही सफर्ड फ्रॉम आर्थराइटिस, कम्प्लेक्स हो सकता है, कम्प्लेक्स कंपाउंड तो कंफर्म है, अब चेक करते हैं कम्प्लेक्स है कि नहीं। ही वांटेड एज टू गो, आई थिंक कम्प्लेक्स कंपाउंड सिम्प्लेक्स इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। अगर इसमें किसी को भी डाउट है तो वो काइंडली चेक कर सकता है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यार सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी मेहनत का भी कुछ सिला मिल जाता हमें। और वो भी लाइव क्विज सॉल्व हो रहा है, ये ग्रैंड क्विज, ये मिड टर्म का ग्रैंड क्विज है।
1 to 22 लेक्चर्स इसमें शामिल हैं। बहुत सारे मेरे पास इसके स्क्रीनशॉट्स भी पड़े हैं जो ग्रुप में सॉल्व हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पहले देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान शुड बी यूज फॉर अ बैड न्यूज़ मैसेज। आई थिंक डायरेक्ट प्लान, चेक करते हैं अभी इसका आंसर। मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक पेज का भी लिंक दे दूंगा, वहाँ पे काफ़ी अपलोड कर दूंगा स्क्रीनशॉट्स क्विज़ के, इंग्लिश 201 के, वहाँ से भी आपने देख लेने हैं उनके जो राइट आंसर है। कोशिश करूँगा उनके राइट आंसर के साथ अपलोड करूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सारा वॉश्ड द एप्पल्स डैश देम इन द फ्रिज एंड पुट। सारा वॉश द एप्पल्स एंड पुट देम इन द फ्रिज, डी ऑप्शन। ये एमसीक्यू फिर दोबारा रिपीट हुआ है, लास्ट क्विज हमने सॉल्व किया था उसमें भी ये आया था। व्यू ने शफलिंग की होती है, तो इस तरह ये क्विज हर 30 MCQs तो लाजमीन 5, 6, 7 इतने आ जाते हैं सेम, क्योंकि हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं तो वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स वहीं पे करते हैं, अपना कोई सॉल्व करते हैं और साथ उनके स्क्रीनशॉट्स ग्रुप में सेंड कर देते हैं, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है वहाँ से भी। हर बंदा अपना अपना जवाब आंसर बताता है, तो जो एक्यूरेट होता है फिर वो उस पर मार्कअप किया रहता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कस्टमर में कम्युनिकेट डैश विद कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट। आई थिंक इसका डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दिस। इन अ पर्सन भी हो सकता है, वाई रिटर्न कम्युनिकेशन ऑन टेलीफोन पे भी हो सकता है, ऑल ऑफ दिस आपने कंफर्म कर लेना है। ये था जी आज का आज की वीडियो, जिसमें हमने इंग्लिश 201 का लाइव क्विज सॉल्व किया है आपके सामने, ये किस तरह की, और उनके आंसर भी मैंने मार्कअप किए हैं नेट से जो मिले हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों की हेल्प हो सके, और जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने BS करनी है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डी ऑप्शन का राइट है। अल्लाह हाफिज़।